नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और करेंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे होंगे। तो इंतजार की घड़ियां खत्म और करेंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर है। तारीख है 8 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अभी हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया। यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप कुमार जोशी में भी गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कैग बना दिए गए। अभी अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष थे, राजीव मोहनसी कैग थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी जो हैं उनको वर्तमान समय में ये राजस्थान पीएससी के अध्यक्ष रहे, मद्रास पीएससी के अध्यक्ष रहे और उसके साथ साथ यूपीएससी के सदस्य भी रहे 2015 से। अब इनको हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में कैग बना दिया गया है, उन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है, जबकि प्रदीप कुमार जोशी ने अभी तक आपके यूपीएससी के अध्यक्ष रहे अरविंद सक्सेना की जगह ली है। तो चलिए करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आप तीन न्यूज तो मैंने यहीं पर खत्म कर दी। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नीतिगत दरों पर फिर से विचार किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, क्वेश्चनों का डे बना लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यानी कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, देख क्या रहे हो कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं ये हमें आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। अब हम चलते हैं आरबीआई की नीतिगत दरों की ओर। आपको याद होगा कि विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था जब वो डिप्टी गवर्नर थे, उनकी जगह पर माइकल देवव्रत पात्रा जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनको प्रमोट किया गया और उनको डिप्टी गवर्नर बना दिया गया आरबीआई में। अब माइकल देवव्रत पात्रा जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से आते हैं तो वहां पर वो पद खाली हो जाता है, वो पद बाद में दिया गया जनक राज को। तो तीन अपॉइंटमेंट, विराज आचार्य ने इस्तीफा दिया, डिप्टी गवर्नर बने माइकल देवव्रत पात्रा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से आए थे तो वहां पे जो जगह खाली हुई, वर्तमान समय में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनक राज, जिन्होंने ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो किया, मतलब जो नीतिगत दरें हैं उनके बारे में बताया। तो देखा गया कि कोविड-19 के दौरान कुछ लोगों को उम्मीदें थी कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, लेकिन नहीं, आरबीआई ने थोड़ा सा इंतजार करने का फैसला किया है और रेपो रेट को उसी जगह पर रोक के रखा है। इवन रिवर्स रेपो रेट को भी उसी जगह रोक के रखा है। किस जगह रोक के रखा है? 4% एंड 3.35%। तो रेपो रेट को 4% पर रोक के रखा है और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को यानी कि बैंक रेट को जो है 4.25% पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो इस तरीके से जो हमारे रेपो रेट हो गए हैं वो कुछ इस तरह से है। अब जो रेपो रेट है वो है 4.00%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ 4.25% एंड बैंक रेट 4.25%। रिजर्व रेशियो की बात करें तो 3% एंड SLR इज 18%। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आपके सार्वजनिक उपक्रम के बैंक आपके आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और उस पैसे पर आरबीआई को ब्याज देते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अगर कोई बैंक आरबीआई से 100 रुपए लेता है तो उसे 4 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़ेंगे। जबकि रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा धन होता है और उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि इसको कहां इन्वेस्ट करें तो वो आरबीआई को वापस दे देते हैं और आरबीआई उस पैसे पर उनको ब्याज देता है। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी ने 100 रुपए अपने आरबीआई के पास जमा कर दिए किसी बैंक ने तो उसे 3.35% के मुताबिक ब्याज मिलेगा। बैंक रेट एक तरह से आप देख सकते हो कि ये रेपो रेट ही होता है, लेकिन लंबे समय तक जब चीजें करनी होती है तो बैंक रेट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जबकि CRR की बात करें तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अगर किसी को पास बैंक है, मान लीजिए एक बैंक है उसके पास सिर्फ 100 रुपए, तो उसे 3% अपने पास रिजर्व रेशियो के रूप में रखना ही पड़ेगा ताकि कोई ग्राहक अगर कभी उसे पैसा मांगने आ जाए तो उस 3 रुपए से निकाल के दे सके। वैसे 100 रुपए तो किसी बैंक के पास होंगे नहीं, 100 करोड़ हो सकता है। तो हाल फिलहाल ये है कैश रिजर्व रेशियो और हाल फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पॉलिसी रेपो रेट 4% पे मेंटेन है और बैंक रेट 4.25% पे मेंटेन है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे मेंटेन है। तो हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसका मतलब लोन सस्ते होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेट कम होता है तो
तो बैंक भी अपने बेस रेट कम करती है और उससे जरिए लोन सस्ता हो जाता है। तो एमपीसी ने रेपो रेट को 4% पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक दर को 4.25% पर, आयात में कमी और कमजोर घरेलू मांग और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण जून में आयात में तेजी से कमी देखी गई है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 31 जुलाई 2020 तक 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ वर्तमान में 536.6 बिलियन डॉलर है जो कि उच्चतम सीमा पर पहुंच चुका है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई इनको इस्तीफा देना पड़ा, ये इन्होंने इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इनकी जगह मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, लेकिन इन्हें भेज दिया गया है कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार द्वारा। इन्हें अब यहां पर ये जो होंगे ये भारत सरकार के खातों की जांच करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो भी आए हुए हैं उनका ब्यौरा देंगे। तो हाल फिलहाल इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल पद से एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी बनाया गया है। राजीव महर्षि का कार्यकाल 7 अगस्त को पूरा हो रहा है और राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्य 3 साल का रहा। गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में सीएजी के रूप में शपथ लेंगे। सीएजी का काम सरकारी खातों और धन और व्यय की जांच करना है। थोड़ा सा सीएजी के बारे में और बताता हूं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम से निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। मतलब कि आप देखते हो, आपको पता है कि जब बजट बनाया जाता है तो कुछ आवंटन किया जाता है, कुछ खर्च का ब्यौरा दिया जाता है, कुछ संचित निधि होती है। तो इस तरीके से सरकार का पैसा गलत कामों में खर्च ना हो पाए, जिन कामों के लिए पैसा निकाला गया है उन्हीं में खर्च हो पाए, और ऐसा ना हो कि सरकार इतना ज्यादा खर्च कर दे कि भारत सरकार का पूरा पूरा बजट ही बैठ जाए। तो इन सब सभी चीजों की जो चर्चा करता है, इन सभी चीजों के ऊपर जो देखरेख करता है, वो भारत सरकार का अधिकारी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा कार्य का कार्यालय 1858 में भारत में अस्तित्व में आया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रूमेंड ने पहले ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य किया, यानी कि स्वतंत्र भारत के रूप में अगर देखा जाए, स्वतंत्र भारत से पहले का अगर देखा जाए तो पहले आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में या ऑडिटर जनरल के रूप में किसने काम किया था? सर एडवर्ड ड्रूमेंड ने, और नियुक्त किया गया था। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। सन 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया था। इस पद का नाम जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक आप देखते हैं वो 1866 में किया गया है, और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया है। वैधानिक दर्जे का मतलब ये हो गया कि इसमें अब ये भारत सरकार से मुक्त था, भारत सरकार इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकती थी, इसकी जो भी जांच वगैरह होती थी वो निष्पक्ष तरीके से होती थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और ज्यादा ताकत दे दी, और इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 1936 में लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षक कार्यों का प्रावधान किया, और यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक चलती रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वैसे कार्यकाल तो 6 साल होता है, और यह 65 वर्ष जो भी इसमें पहले पूरा हो जाए उससे होता है, और इनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रीट किया जाता है, और कोई भी महालेखा परीषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कैग बन सकता है। अगली जानकारी है,
भारतीय रेलवे लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता चला जा रहा है जिसकी वजह से वो चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक तरह का चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज लॉन्च कर दिया है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि इसमें किसान जो है वो अपने फल सब्जी मांस मछली वगैरह रख सकेंगे ताकि दूर जाने पर उसमें कोई खराबी ना है, और जो डब्बे हैं जो वैगन है वो इनको एकदम फ्रीजर की तरह बनाया गया है। तो इस रेल का नाम रखा गया है किसान रेल। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से चलाई गई थी आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली, बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र से बिहार के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने की मदद करेगी। फ्रोजन कंटेनरों के जरिए ट्रेन मछली मांस दूध और इसके लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला बनने की भी उम्मीद जताई गई है। तो इस तरीके से एक चलता फिलता कोल्ड स्टोरेज नजर आया, उसका नाम है किसान रेल। कहां से कहां तक चलेगा? महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। कुछ और चर्चा जो अभी भारतीय रेल के बारे में करना जरूरी है वो ये कि अगर आपको याद हो तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पहला वर्ल्ड का पहला यानी कि दुनिया की पहली डबल कंटेनर स्टेक इलेक्ट्रिक फाइल टनल हरियाणा में बनाई जा रही है। मेवात से गुरुग्राम को कनेक्ट करेगी, अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। तो देश की पहली डबल स्टेक और दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर यानी कि दो एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा रख देंगे, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल वैगन होगा और उसके जरिए ओवरहेड इक्विपमेंट जिसे हम लोग जो ट्रेन के ऊपर लगा होता है एंगल जैसा, उसके जरिए ये जो पेंटोग्राफ जिसे कहते हैं उसके जरिए ये पूरा ट्रेन शक्ति प्राप्त करेगी और सुरंग के जरिए होके जाएगी। तो ये काफी बड़ी सुरंग है। ये कहां बन रही है? हरियाणा बन रही है। ये पहली इलेक्ट्रीफाइड सुरंग है। इसके अलावा शेषनाग ने सुपर एनाकांडो को पछाड़ा। शेषनाग क्या है? शेषनाग भारत सरकार द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई 2.8 किलोमीटर की एक लंबी ट्रेन है जिसमें 255 वैगन लगाए गए थे। इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में 100% ट्रेनों को समय पर चलाने का एक बार रिकॉर्ड हासिल किया है और ये रिकॉर्ड ऐसा समय में किया गया जब ज्यादातर ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन 82 ट्रेन ऐसी थी जो चल रही थी और वो उस दिन सभी ट्रेनें एक समय पर अपने निर्धारित समय पर पहुंची, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ट्रेन जो है भारतीय ट्रेन वो लेट ही होती है। तो ये धब्बा थोड़ा सा सुकून वाला रहा कि भाई इसको हटाया जा सके। तो 26 जून को ऐसा हुआ, 24 जून को माफ करेगा, ऐसा हुआ जब सभी ट्रेनें उस दिन सभी टाइम पर अपने अपने स्टेशनों में पहुंची थी और इस तरह से 100% ट्रेनों को समय पर चलाने का रिकॉर्ड भारतीय रेलवे ने बनाया है। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में विनोद कुमार यादव। और अगली जानकारी है कि WTF स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है WTF स्पोर्ट्स ने दो क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। तो WTF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। अगली जानकारी है, आप सभी को पता होगा कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का भी शुरुआत हुई थी 1 तारीख से 3 अगस्त के बीच में, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने उत्तर प्रदेश नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है और लगातार दूसरी बार उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें होना क्या था? इसमें जो भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्रयोग करते हुए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाना था और इससे जो भी चीजें हो, मतलब कि लोगों की भलाई हो सके, लोगों के काम आ सके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी वजह से इनकी टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की 6 सदस्यों वाली टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से तकनीकी समस्या का समाधान करके 1,00,000 रुपए का पुरस्कार जीता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीतने के लिए टीम को बधाई दी है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT को उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस महीने की 1 से 3 अगस्त तक आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला है। अगली जानकारी है, आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने अपने नाम बेहद खास उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने धोनी से ज्यादा छक्के लगाकर विश्व में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान होने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो इयान मॉर्गन ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 84 गेंदों में 106 रन की शानदार शतकी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए।
इन चार छक्कों के साथ मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने धोनी के 211 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंडिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इयान मॉर्गन ने महज 163 मैचों में 212 छक्के जड़े हैं, जबकि धोनी को 211 छक्के लगाने के लिए 332 मैच लगे थे। इयान मॉर्गन ने इंग्लैंड के लिए 16 टेस्ट, 238 वनडे और 89 T20 मैच खेले हैं। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को आगे ले जाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश की सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया था। अगली जानकारी है, श्रीलंका में दोबारा महिंद्रा राजपक्षे जी की जो पार्टी है उसको लगातार बढ़िया बहुमत मिला। तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी एक बार फिर से संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत मिली है और अब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। पिछले साल नवंबर से वो देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने थे। उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है। महिंद्रा के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति हैं। अगली जानकारी है, प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं, मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी को स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी और यूपीएससी ही वो निकाय है जो आपकी सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे वो आईएफएस हो। अगली जानकारी, एक और टीवी अभिनेता ने सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। तो जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन। 44 वर्षीय अभिनेता ने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों जैसे गीत, हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की, पॉर्श कोई है और का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों जैसे हंसी तो फंसी और इत्तेफाक में भी काम किया था। तो फिलहाल समीर शर्मा सुशांत राजपूत के बाद एक और अभिनेता जिसने सुसाइड कर लिया। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, वन लाइनर की। और आज के वन लाइनर में देखते हैं, एमपीसी ने रिवर्स रेपो को कितना बनाए रखा है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे मेंटेन किया है। और किसको भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाई जाएगी। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म डब्ल्यूटीओ स्पोर्ट ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में प्रथम पुरस्कार मिला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं इयान मॉर्गन, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। भारत भर में हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, महिंद्रा राजपक्षे। और अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति आई है उसको किसने बनाया था, वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, एमपीसी ने रिवर्स रेपो दर को कितना बनाए रखने की बात की है। तो उन्होंने 3.35% तक मेंटेन करने की बात की है। और किसको भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई जाएगी। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म डब्ल्यूटीएफ स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं इयान मॉर्गन। इंग्लैंड के आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 4 छक्के जड़े। और भारत भर में हर साल राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, महिंद्रा राजपक्षे, द्वारा से बहुमत हासिल हुआ। और नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है के कस्तूरी रंगन जी ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।